अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर में दर्शन का दूसरा दिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। तो आज भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु श्री राम मंदिर में, तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर डीजी प्रशांत कुमार, एसीएस गृह भी मौके पर मौजूद हैं, जो कि कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने का दूसरा दिन आज, और जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने के लिए भारी संख्या में, जो अगर हम बात करें अर्धसैनिक बलों की, साथ ही साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो व्यवस्था को संभालने के लिए वहाँ पर लगातार पहुँचे हुए हैं। इस बीच डीजी प्रशांत कुमार वहाँ पर हैं, एसीएस रे भी जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू तौर पर संभाले हुए। भारी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हुए रामलला के दर्शन पाने के लिए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्राथमिकता यही है कि किसी भी भक्त को, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और सुगमता के साथ दर्शन हो जाए रामलला के, यही प्राथमिकता। और इसी के चलते तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं। प्रशांत कुमार मौजूद हैं, एसीएस गृह मौजूद हैं, जो कि लगातार तमाम व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए। भक्त उमड़ रहे हैं, आज दूसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की, राम मंदिर दर्शन का दूसरा दिन, प्रभु के दर्शन पाने के लिए दूर दराज से भारी संख्या में जो राम भक्त हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल भी रिकॉर्ड तोड़ भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए थे, और आज भी जो है बेहतर इंतजाम के साथ साथ जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हुए हैं प्रशांत कुमार, व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। इस बीच जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी जो मौजूदा व्यवस्था है उसके लिए लगातार उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौके पर मौजूद है दर्शन के लिए। कतार की नई व्यवस्था यहां पर की गई है, अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम सख्त किए गए हैं, और ऐसे में कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो, ये लगातार ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने अपील की है, पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है। खुद प्रशांत कुमार ने भी ये कहा है कि जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो दो हफ्ते के बाद ही दर्शन के लिए आए। यहाँ सुचारू रूप से दर्शन प्रारंभ सब कल के बाद आज कुछ चेंजेस किए गए व्यवस्था में। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्यू सिस्टम को और इम्प्रूव किया है, और पूरे चैनल बना दिए गए हैं जिसके कारण जिसके तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और आबाधित तरीके से, सुचारूपूर्ण तरीके से। सर, कोई कैलकुलेशन है आज कितने लगभग भक्त आ जाएंगे? नहीं, ये हमारे पास जितने भी लोग आएंगे हम देखेंगे। एडवाइजरी हमारी तरफ से ये है कि अभी हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, खास तौर से महिलाएं हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अभी अब दो हफ्ते बाद अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, तब तक के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको हम लोग सुचारू रूप से संपन्न करा रहे हैं। सभी को एक ही दिन में, पहले दूसरे दिन में ही दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से लोग आ सकते हैं। मंदिर सुस्थापित है, भव्य है, दिव्य है, इसमें कोई बहुत शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत शीघ्रता करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो स्वयं कोई असुविधा में आएंगे और उनको दिक्कत आ सकती है। हम लोगों ने सारे प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन मैं खेल वृद्ध लोगों के लिए और जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, दिव्यांग हैं, उनको विशेष तौर पर अपील करूँगा कि आराम से, सर्दी भी बहुत है, दो हफ्ते बाद अपना कार्यक्रम बना लें। और इस खबर पर बात करते हैं, सीधे अयोध्या चलते हैं जय श्री राम के साथ। अंकुर त्यागी हमारे साथ रामपथ से रिपोर्ट कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी से वरुण बसीन हमारे साथ हैं। अंकुर, चूंकि रिकॉर्ड तोड़ राम भक्त लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के, ऐसे में आज कतार की एक नई व्यवस्था की गई ताकि सुगम और सरल दर्शन प्रभु श्री राम के कर पाए भक्तगण। तस्वीरें कैसी है सुबह 9 बजे की, दिखाइए बताइए। मैं तस्वीरों के साथ ही आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा यहाँ पर कि फिलहाल क्या हाल है। आप जरा देखिए यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, जो कल तक हम देखते थे भीड़ का पूरा हुजूम सुबह के वक्त में आ गया था, अभी भी क्राउड ऐसा नहीं है कि कम आ रहा है, क्राउड लगातार बना हुआ, लेकिन अब उसको पंक्तिबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप इसमें खासतौर पे जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको यहाँ पर इस काम का जिम्मा दिया गया है कि वो लोगों को लाइन में लगाकर एक एक कर अंदर छोड़ने की पूरी व्यवस्था करेंगे। हमने सुबह देखा था जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। मैं सुबह 6:30 बजे की आपसे बात कर रहा हूँ, जो होम सेक्रेटरी हैं संजय प्रसाद, वो खुद इस वक्त मौके पर आए थे और वो यहाँ पर बैठ के यहाँ पर मौजूद थे और पूरी स्थितियों का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा था। क्राउड मैनेजमेंट को कितना ज़्यादा स्मूथ किया जाए, एक जरिए टेम्पररी बेसिस पे ही फिलहाल
ये जो सेगमेंट है मंदिर के सामने का, इसमें यहाँ पे किसी भी तरह का जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है। अब ये अरेंजमेंट कब तक होंगे ये कहना तो अभी फिलहाल मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये तय है कि वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर तैयार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का मैन पावर यहाँ पर लग रहा है, जितने ज़्यादा RPF के या UP पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, क्या ये 12 महीने इतने ही मैन मैनेजमेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस क्राउड को मैनेज करने के लिए? इस जाहिर तौर पर एक पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी जिसके ऊपर मंदिर ट्रस्ट अब यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक, बिल्कुल अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, आज एक बड़ा समारोह भी होने जा रहा है अयोध्या में, कार सेवकों का सम्मान किया जाएगा, उसके बारे में अगर कोई अपडेट हो तो आप बताइएगा। साथ ही अभी क्या व्यवस्थाएं वहां पर, कोई भी अव्यवस्था ना हो इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, RAF के जवान तैनात किए गए हैं और श्रद्धालुओं से भी कहा जा रहा है कि वो सहयोग करें। जी बिल्कुल, देखिए 23 तारीख से अगर आप 24 तारीख की बात करें तो तस्वीर बहुत ज्यादा बदल चुकी है। इस वक्त मैं आपको उसी गेट की तस्वीर दिखाऊंगा जहां से 23 तारीख को हमने देखा था कि वो श्रद्धालु एक साथ भागते हुए इस बैरिकेड से हमें नजर आ रहे थे, वो यहां पर बहुत बड़ा एक जनसैलाब था, लेकिन वही नंबर आज भी है। पर जैसा प्रशांत कुमार बता रहे थे कि अब वो क्यू मैनेजमेंट नया शुरू कर दिया गया है, तो ये वो तस्वीर है जहां से एंट्री ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो महिलाओं की और पुरुषों की जो क्यू है वो बाहर अलग से बना दी जाती है, जिसके थ्रू इस वक्त वो एंट्री हो रही है। और इसी के साथ इस वक्त एग्जिट पॉइंट भी मैं आपको दिखाऊं तो एग्जिट पॉइंट इसके बगल में है और वो दर्शन करके जो इस वक्त श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी सुचारू रूप से आसानी से लाया जा सके, इसकी इस वक्त कोशिश की गई है। और नए एक क्यू मैनेजमेंट के थ्रू इस वक्त सुरक्षा बल बहुत ज्यादा नंबर में तैनात है, इसलिए अभी फिलहाल इसमें समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मंदिर मैनेजमेंट को इस वक्त यह बहुत जरूरी है कि क्या हमेशा इतना सुरक्षा बल, इतना RAF क्या उनके पास रहेगी, तो इसको लेकर मैनेजमेंट जरूरत है। लेकिन फिलहाल 23 से 24 में तस्वीर बदलने के लिए एक भारी सुरक्षा बलों का इंतजाम तो करना पड़ा, लेकिन अभी फिलहाल श्रद्धालु जो बड़े नंबर में वरुण भसीन और अंकुर त्यागी, हम लौटते रहेंगे तस्वीरें देखने के लिए, अपडेट्स के लिए आपके पास अयोध्या लगातार। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। Zee News।